हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। एंड फीमेल की जब हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए फ्लावर के अंदर गायनोशियम इज अ पार्ट, जहाँ पर आपके पास फीमेल में रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होनी होती है। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर गायनोशियम एक स्ट्रक्चर होती है एंड गायनोशियम बेसिकली थ्री तीन चीज़ों से बनती है। एक इसकी यूनिट जो होती है कार्पल होती है एंड कार्पल इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। वन इज योर स्टिग्मा, सेकेंड वन इज योर स्टाइल एंड थर्ड वन इज योर ओवरी। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पॉलन ग्रीन आकर के गिरते हैं। पॉलन ग्रीन या तो टू सेल स्टेज में वहाँ आकर के गिरते हैं या फिर थ्री सेल स्टेज में आकर गिरते हैं। एंड स्टाइल इज अ एरिया जहाँ से आपका पोलन ग्रो, जब कंपैटिबिलिटी प्रोटीन उसके ऊपर होती है, जब देर इज अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन फॉर द प्लांट, तो उसकी वजह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड वो स्टाइल के थ्रू क्या करती है, पास करती है एंड अंदर जाती है ओवरी के। ओवरी के अंदर एक चैम्बर होता है जिसको हमने क्या कहा था, लोक्यूल कहा था। उस चैम्बर के अंदर आपके पास ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल क्या है बेसिकली, ओव्यूल वो होता है जो मेच्योरिटी होने पर सीड में कन्वर्ट होता है एंड राइपन्ड ओवरी कन्वर्टेड होती है आपके पास फ्रूट के अंदर। तो जो ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि हमारे पास, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रही स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के पास कुछ इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। उसके अलावा आपके पास सेंटर में ओव्यूल के पास एक एरिया होता है जहाँ पर एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोसेक कहाँ से बनता है, एम्ब्रियोसेक न्यू सेलस से बनता है। न्यू सेलस क्या होती हैं, दे आर डिप्लॉयड सेल्स, राइट। तो एक बार आज हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, ड्यू टू सम इशू लास्ट टाइम मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस इज योर फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है बेसिकली, फ्यूनिकल इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और यू कैन से ओव्यूल स्टॉक अटैच विद प्लेसेंटा, इसको आप क्या बोलते हो, फ्यूनिकल बोलते हो। और यहाँ से एक एरिया होता है जहाँ पर हमारे पास क्या अटैच रहता है, फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल की स्टॉक के साथ अटैच रहता है। मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज योर हाइलम। हाइलम क्या करता है, हाइलम इज अ जंक्शन, इट रिप्रेजेंट योर जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। उसके अलावा दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट दोनों का काम क्या होता है, दोनों हेल्प इन प्रोटेक्शन, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर क्या फील रहती है, यहाँ पर फील रहती है न्यू सेल्स। न्यू सेल्स क्या होती है, न्यू सेल्स आर द सेल्स विच आर 2n डिप्लॉयड होती है नेचर में एंड यही सेल्स होती हैं आपके पास जो फर्दर मियोसिस करके क्या बनाते हैं, फीमेल एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। देखिए होता क्या, मैं यहाँ बताती हूँ। न्यू सेल्स की सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स आर बेसिकली 2n, राइट, दीज आर 2n। इन सेल्स को अगर सपोज ये 2n सेल्स हैं मेरे पास, ये सेल्स कहाँ भरी हुई हैं, इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर। इन सेल्स में होगी मियोसिस, मियोसिस जब होगी तो आपके पास बनेंगे चार स्पोर, ठीक है। इन चार स्पोर से ही फर्दर, अगर हम एक सिंपल स्पोर की बात करते हैं तो एक सिंपल स्पोर फर्दर गैमिट बनाता है आपका, जिसको हम बनाते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। इसी से आपका क्या बनेगा, फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा, जिसको मैं आगे समझाऊंगी। एंड दिस इज योर एम्ब्रियोसेक, जो आपको डायग्राम में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एम्ब्रियोसेक, जो कि किससे डेवलप हुआ है, न्यू सेल्स से डेवलप हुआ है। एंड इसकी प्लॉयडी क्या रहने वाली है, एन, क्योंकि ये मियोसिस का रिजल्ट है, मियोसिस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर सब में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर आपके पास भरी हुई है ये जो आपकी न्यू सेल्स है, पूरी सेल्स भरी हुई है अंदर। एंड इन न्यू सेल्स में जब मियोसिस हुई तो आपके पास आया है एम्ब्रियोसेक। एंड व्हाट इज योर एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक इज बेसिकली द फीमेल गैमिटोफाइट, दिस इज योर एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमिटोफाइट, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, एन है। सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड होता है, देखेंगे कैसे होता है। तब मैंने एक बताया था आपको कि एक ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड एंड देयर वन इज देयर इज अनदर वन, दिस इज योर चैलेजल एंड। यहाँ पर ओव्यूल आपको इन्वर्टेड शेप का दिख रहा है, इन्वर्टेड कैसे, क्योंकि माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल जो है वो पैरेलल है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड शेप ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एंड
यहाँ पर ये न्यू सेल्स भी टू एंड है. अब इसके दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड एंड एक चैलेंजर एंड. व्हेन माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल पास पास होते हैं तो उसको आप बोलते हो एनाट्रोपस ओव्यूल. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने दी हुई हैं. व्हाट इज अ स्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम इज द कैविटी. एक ऐसी कैविटी होती है जो स्पोर को बियर करती है. एंड व्हाट आर स्पोरोफिल? फिल आर बेसिकली द लीफ. आप लीफ के लिए वर्ड यूज करते हो फिल. तो स्पोरोफिल आर द लीफ वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड. नाउ व्हाट इज योर स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट भी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, टू एंड स्ट्रक्चर होती है जो क्या बनवाती है, स्पोर्स बनवाती है. अगर हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करें तो वी हैव सिक्स काइंड ऑफ ओव्यूल, बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही ओव्यूल मेंशन किया गया है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के ओव्यूल होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास सिक्स तरह के ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ध्यान से सुनना एक बार, आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको चीजें समझ आ जाए. तो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज इट इज योर प्रिमिटिव ओव्यूल. सबसे पहले यही ओव्यूल आया था. तो ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं इसकी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की, तो ये देखो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल है हमारे पास. दिस इज आर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव. इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल, चैलेंजर एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन. ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट इट इज योर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ओव्यूल माना गया है. यहाँ पे देखो, ये एम्ब्रियो सैक है एंड दिस इज योर एरिया जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. एंड ये क्या है, इसके अपोजिट एंड को आप बोलोगे चैलेंजर एंड इसके नीचे से अटैच है फ्यूनिकल. इसका मतलब माइक्रोपाइल हो चाहे चैलेंजर हो चाहे फ्यूनिकल हो, ऑल आर ऑन द सेम एक्सिस. दिस इज योर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, माइक्रोपाइल को आप क्या ले रहे हो, यू आर टेकिंग इट एज अ रेफरेंस पॉइंट. आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, माइक्रोपाइल है. माइक्रोपाइल हमेशा टॉप पर होगा, वट एवर विल बी द कंडीशन, बट माइक्रोपाइल हमेशा क्या रहेगा, टॉप पर ही रहेगा. अगर आप एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हो तो दिस इज मोस्ट कॉमन. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत पुराना है, बट एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा मिलता है. एंड हेयर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्टेड ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो पूरा 180 का टर्न ले लेता है एंड वो फ्यूनिकल के पास आ जाता है. ये देखो, दिस इज योर माइक्रोपाइल एंड दिस इज योर इनवर्टेड ओव्यूल. 180 डिग्री का इसने क्या ले लिया है, यहाँ पर फ्यूनिकल है, ये रहा इसके पास आ गया है माइक्रोपाइल एंड ये रहा योर चैलेंजर एंड. दिस इज योर चैलेंजर एंड. इसका मतलब माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, 180 डिग्री का पूरा इन्वर्जन हो गया है. ऐसे ओव्यूल को आप बोलते हो एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, उसके अलावा हेमीट्रोपस आता है. हेमीट्रोपस में कुछ नहीं होता, हेमीट्रोपस में बस इस तरीके से आ जाता है आपके पास. हेमीट्रोपस में ये फ्यूनिकल आ गया है, ये चैलेंजर है एंड दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड. तो यहाँ पर कितने डिग्री में एंगल रोटेट हो गया, 90 डिग्री में हो गया है. ये आपको मिलेगा रेनन कुलस में. ऑर्थोट्रोपस ज्यादातर आपको मिल जाते हैं पॉलीगोनम में, साइकस में, पाइपर में. कंपाइलोट्रोपस में क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से आपके इंटेग्यूमेंट जो है वो गिर जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो इंटेग्यूमेंट है वो गिर जाएंगे और ये आपका 90 डिग्री पर ही रहेगा. ये रही फ्यूनिकल, ये रहा चैलेंजर एंड एंड दिस इज योर माइक्रोपाइल एंड. इसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग माइक्रोपाइल. ठीक है, इसका नाम होता है ओव्यूल का कंपाइलोट्रोपस. उसके अलावा एम्फीट्रोपस की बात करें तो एम्फीट्रोपस में जो ओव्यूल है उसकी शेप कैसी हो जाएगी, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक की शेप कैसी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक भी प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होता है. तो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक की शेप कैसी हो जाती है, हॉर्स शू शेप हो जाती है, इसको आप बोलोगे एम्फीट्रोपस. सर्सिनोट्रोपस क्या होता है, जब आपके पास 360 डिग्री यानी इस तरीके से टर्न लेकर के एक बार वापस दोबारा टर्न लेगा और माइक्रोपाइल फिर से टॉप पर आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस. इसमें एग्जांपल आप लोगे अबोंशिया का. एम्फीट्रोपस में होर्स शू शेप आपकी बनती है, जिसमें एग्जाम्पल आएगा पोपी, पेपावर, सोमिनीफेरम, अलिज्मा एंड लैमिना. समझ में आ गया? तो ये चीजें क्या रही है हमारे पास, ये चीजें हमारे पास ओव्यूल है. मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ, ओव्यूल बेसिकली हमारे पास सिक्स टाइप के होते हैं. एक होता है सबसे प्रिमिटिव, जो सबसे पहले पाया जाता है, उसको बोलते हो आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल.
इसमें माइक्रोपाइल हो, इसमें आपके पास चैलेजल एंड हो और इसमें आपकी फ्यूनिकल हो, वो तीनों एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल आर द मोस्ट कॉमन ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल पैरेलल आ जाता है आपके फ्यूनिकल के, एंड देर इज अ 180 डिग्री रोटेशन इन योर एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस वो होता है जिसके अंदर आपके पास 90 डिग्री का इन्वर्जन आता है, एंड कंपाइलोट्रोपिस वो होगा जिसमें आपके माइक्रोपाइल जो होंगे वो क्या होंगे, ड्रूपिंग ड्रूपिंग हो जाता है, गिर जाता है हल्का सा। एम्फीट्रोपस में एग्जाम्पल अगर आपको याद रखनी है तो पोपी का याद रखो, गैलिज्मा लैमना, क्योंकि इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक की शेप कैसी हो जाती है, हॉर्स शू शेप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। सिनोट्रोपस में क्या होता है, 360 डिग्री का रोटेशन होगा, एंड ये आपको मिलेगा अपुंशिया के अंदर। सिर्फ ये नाम याद रखने हैं बिकॉज दे आर नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, एनाट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन है, आपकी एनसीईआरटी भी इसको कॉमन ही बता रही है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्लियर, तो ये चीजें हमने अब पढ़ ली हैं, ये सामने जो आपको दिख रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर मेगा स्पोरोजेनेसिस, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। एक काम करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको इलाबोरेट कर देती हूँ, ओके, सो दैट इट कैन बी विजिबल टू यू। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, राइट, ग्रेट। आप देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, आप फीमेल गैमेटोफाइट के बनने का प्रोसेस बता रहे हो, इसको बोलोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंड ये कहाँ पर होगा, ये ओव्यूल के अंदर होगा। तो सपोज दिस इज योर ओव्यूल, ओव्यूल में ये टॉप एंड है जिसको माइक्रोपाइल बोल रहे हैं, इसके अपोजिट एंड को हम बोलते हैं चैलेंजर एंड। एंड यहाँ पर बहुत सारी आपको सेल्स देखने को मिल रही हैं, दीज सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर एंड इनको कहा जाता है न्यू सेलस सेल्स, या न्यू सेलर हम इनको बोल देते हैं, दीज आर न्यू सेलर। न्यू सेलर क्या होती है नेचर में, न्यू सेलर्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, इनको हम बोलते हैं कि ये डिप्लॉयड होंगी नेचर में, यानी टू एन इनकी प्लॉयडी रहेगी। अब ये जो न्यू सेलर्स हैं, दीज आर योर न्यू सेलर सेल्स, ठीक है, टू एन है। इसी न्यू सेलर सेल्स में से कुछ सेल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं एंड दे कन्वर्ट इन टू मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी ये ऐसी सेल होगी जो क्या बनवाएगी, फीमेल गैमेट्स बनवाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। सपोज दिस इज योर मेगा स्पोर मदर सेल जिसको हम लिखते हैं MMC, ठीक है। जो पोलन ग्रीन बनाती है उन सेल्स को बोलते हो पोलन मदर सेल्स, एंड जो मेगा स्पोर बनाएंगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगी, उनको आप बोलोगे मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर क्या हुई, क्योंकि ये 2N थी तो इसके अंदर हमने मियोसिस करवाई। मियोसिस आपको पता है दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है, इसमें एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, पर ये दोनों सेल, अगर ये 2N था तो ये दोनों सेल N और N की बनेगी, मतलब दे आर रिडक्शनल डिवीजन। एंड इसके बाद फिर से मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में क्या होगा आपके पास, मियोसिस 2 में हर एक सेल खुद से फिर दोबारा डिवाइड करेगी, लेकिन ये किसके इक्वल होगी, ये आपके पास चार सेल्स आपको मिलेंगी एंड ऑल आर इक्वल हैप्लॉयड होंगी, N होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करवाया, हमने यहाँ पर मेगास्पोर जो मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हमने मियोसिस करवाई। और जब मियोसिस हुई तो मियोसिस दो फेज में हुई, एक बार मियोसिस जब हुई तो वो हुई आपके पास मियोसिस 1, एंड उस मियोसिस 1 से क्या आया, आपको एक डायड मिला जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डायड। उसके बाद मियोसिस 2 हुई और इससे हमें मिले चार मेगास्पोर, ठीक है। तो आप इसमें ये याद रखोगे कि दिस इज योर मेगास्पोर टेट्राड। जब हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात की थी तो वो एक कैलोज से क्या थे, कवर्ड थे, लेकिन मेगास्पोर टेट्राड क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ये किसी चीज से कवर नहीं होते हैं। अब याद रखो हमने माइक्रोपाइल की साइड से बात की थी और चैलेंजल की तरफ की बात की थी, तो माइक्रोपाइलर एंड पर आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे जो फंक्शनल जो माइक्रोपाइलर एंड होगा वहां के तीन मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तीन मेगास्पोर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब हम सिर्फ एक ही मेगास्पोर की बात करेंगे, हमारे पास आगे सिर्फ एक ही मेगास्पोर जाएगा, वो भी कौन से एंड वाला, चैलेंजल एंड वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास मेगास्पोर आगे जाएगा,
मेगास्पोर जो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे थे वो डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक ही बचा जो आगे काम आएगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब आपके पास सिर्फ एक ही मेगास्पोर काम करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम आगे लेकर के चलेंगे, एंड ये फंक्शनल मेगास्पोर में अब इसके दो एंड डिसाइड हो चुके हैं, एक चैलेंजल एंड एक माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर जिसकी प्लॉयडी क्या है, एन है, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है। अब इसमें हम करवाएंगे फिर माइटोसिस, इसमें तीन बार सक्सेसिवली माइटोसिस होगी, यानी बैक टू बैक इसमें क्या होंगी, माइटोसिस होंगी। तो देखो, सबसे पहले हमने करवाई इस सेल के अंदर जब माइटोसिस हुई तो इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बने, लेकिन ये माइटोसिस ऐसी थी जिसमें साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं की गई, मतलब यहाँ पर सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं हुई हैं, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, एक माइक्रोपाइल की तरफ बन गया, एक चैलेंजर एंड की तरफ बन गया। फिर दोबारा से हमने माइटोसिस करवाई, लेकिन इसमें भी आपकी सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगी, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज योर चैलेंजल एंड, एंड एक न्यूक्लियस से आपके पास दो न्यूक्लियस बन गए हैं। तो यानी एक ने दो बनाए तो टोटल दो से चार न्यूक्लियस बन गए हैं। एंड देयर इज अगेन माइटोसिस जो कि आपकी विदाउट साइटोकाइनेसिस होने वाली है, इसको हम बोलेंगे कि अब आपके पास टोटल एट न्यूक्लियस बन चुके हैं एक सिंगल सेल के अंदर, यानी हमारे पास अब एक सेल है और एट न्यूक्लिएट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनमें साइटोकाइनेसिस फॉलो करवाएंगे और साथ में इसको रीअरेंज भी करेंगे, साइटोकाइनेसिस भी होगी और रीअरेंजमेंट भी होगी। देखो कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एट जो न्यूक्लियस है, ये एट न्यूक्लियस ने अपने आप को अलग अलग जगह पर क्या कर लिया, अरेंज कर लिया है। पहली बात तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पर ये चैलेंजर एंड है, इसको मैं इन्वर्ट कर देती हूँ, तो चैलेंजर एंड ऊपर आ गया है एंड माइक्रोपाइलर एंड आपका नीचे चला गया है, ठीक है। बट ये मैंने सिर्फ ओव्यूल को उल्टा करके दिखाया है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि माइक्रोपाइलर बिलो आ गया है, हमेशा याद रखना कि माइक्रोपाइल टॉप पर ही रहेगा, यानी अब आप स्टडी नीचे से करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन माइक्रोपाइल विल ऑलवेज बी ऑन टॉप, राइट। तो यहाँ पर देखो, आप इसमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या आनी शुरू हो गई है, न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स आनी, सेल लेयर आनी शुरू हो गई है, सेल मेम्ब्रेन आनी शुरू हो गई है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आपका इन्वर्ट हो गया है, चैलेंजर एंड ऊपर दिखा दिया है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे दिखा दिया है, बट रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, माइक्रोपाइलर ऑलवेज बी ऑन टॉप, ये याद रखना। तो कोई भी चीज स्टडी करोगे तो ये बाकी की जितनी भी सेल्स आपको दिख रही हैं ये सारी माइक्रोपाइल से नीचे रहने वाली हैं, भले ही हमने ओव्यूल को इन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो अब देखो, हमारे पास जो चैलेंजर एंड है, चैलेंजर एंड पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, चैलेंजर एंड पर हमें तीन सेल्स देखने को मिल रही हैं, एक सेल हमारी ये रही, एक सेल्स हमारी ये रही और एक सेल हमारी ये रही। दीज सेल्स आर नॉन एज एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स होती हैं एंड इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत कम होता है, एफिमरल लाइफ स्पेन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, ठीक। तो तीन सेल्स तो यहाँ अरेंज हो गई, टोटल कितनी सेल्स हैं, एट सेल हैं, सॉरी टोटल कितने न्यूक्लियस हैं, एट न्यूक्लियस हैं। इन एट न्यूक्लियस को हम सेवन सेल में पैक करने जा रहे हैं, यानी आठ न्यूक्लियस हैं और सात सेल हैं, आठ न्यूक्लियस सात सेल, इसका मतलब किसी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस गए हैं, तब जाकर के वो एट सेल सेवन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमने देखा कि तीन न्यूक्लियस तीन सेल में अरेंज हो गए हैं, उनको बोला एंटीपोडल सेल। अब इसी तरह दो सेल, दो न्यूक्लियस दो सेल्स में अरेंज हो गए हैं, तो उन सेल्स को हमने बोल दिया जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी, इनको हमने बोला है These are synergid cells, जो red वाली मैंने बनाई है ये आपकी क्या है, synergids हैं। इनकी प्लॉयडी भी क्या है, N रहेगी, ठीक है। synergid को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ये structure जो दिख रही है गोल गोल, इसको आप बोल रहे हो वेक्यूल, तो वेक्यूल जो रहेगा वो चैलेंजर एंड की तरफ है, चैलेंजर ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ रहेगा, या वी कैन से टूवर्ड्स चैलेंजर एंड रहेगा। एंड जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा आपके पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब एक और स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यू कैन सी हियर, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर व्हाट, ओके इट इज नॉट विजिबल टू यू, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ।
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहेंगी ये क्या रहने वाली हैं स्टूडेंट्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस आर द स्ट्रक्चर्स, ये देखिए ये है आपका फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? ये एपरेटस आपको गाइड करता है आपकी पोलन ट्यूब को, उसको अट्रैक्ट करता है ताकि पोलन ट्यूब यहाँ से क्या कर सके, एंट्री कर सके, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर सके आपके एग के पास। ये सिनर्जिड्स है, माइक्रोपाइलर एंड से आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। कौन इसको गाइड करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं सिनर्जिड में होती है, इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब जैसे ही यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी तो वो आपकी फीमेल गैमेट के साथ क्या करेगी, फ्यूज करेगी। तो टोटल 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियस 3 सेल में कवर हो गए, जिनको हमने बोला एंटीपोडल सेल, जो एफीमरल होती हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन की होती हैं। 2 न्यूक्लियस अरेंज हो गए हैं सिनर्जिड में, सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। एंड 1 न्यूक्लियस अरेंज हो गया है फीमेल एग में, तो दिस इज योर फीमेल एग। एग क्या है बेसिकली? दिस इज योर फीमेल गैमेट, और इसकी प्लॉयडी भी क्या रहेगी? एग एन ही रहेगी, ठीक है। एंड एग हो गया, सिनर्जिड हो गए, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग प्लस सिनर्जिड मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिनर्जिड में न्यूक्लियस जो है वो चैलेंजर एंड की तरफ है, सॉरी वैक्यूल जो है वो चैलेंजर एंड की तरफ है, एंड जो न्यूक्लियस है वो आपका है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि समझ पाओ। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? दिस इज योर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस है आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, विक्योल है आपका चैलेंजर एंड की तरफ। लेकिन जब हम एग की बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस रहेगा चैलेंजर एंड की तरफ और इसका विक्योल रहेगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री हुई तो डायरेक्ट एग जो है उसको कोई नुकसान ना हो, एग के न्यूक्लियस को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए पहले विक्योल आगे आता है। लेकिन यहाँ पर सिनर्जिड जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के टाइम पर एक सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाती है, क्योंकि उसका विक्योल से पहले क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस को डीजेनरेट कर देता है। फाइनली दोनों सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाती हैं, तो एग क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। एंड इफ यू रिमेम्बर मैंने कहा था जब पोलन ग्रेन गिरते हैं तो वो या तो 2 सेल स्टेज में होते हैं, 3 सेल स्टेज में होते हैं। 3 सेल स्टेज का मतलब है दे हैव 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव सेल। एंड 2 सेल स्टेज का मतलब होता है कि एक मेल गैमेट है जनरेटिव सेल में और एक मेल गैमेट, एक है आपकी वेजिटेटिव सेल, उसको आप बोलोगे 2 सेल स्टेज। तो सेम चीज है, अगर यहाँ पे 3 सेल स्टेज में गिरे तो वो एक तो एग के साथ फ्यूज करेगा मेल गैमेट और एक करेगा इसके साथ। एंड व्हाट इट इज, हमने देख लिया कि 6 न्यूक्लियस 6 सेल में अरेंज हो चुके हैं, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, और जो 2 न्यूक्लियस बचे हुए हैं वो न्यूक्लियस सेंटर में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एन प्लस एन का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो सेंटर में रहेगा पोलर न्यूक्लियाई। एंड जो पूरी सेल आप देख रहे हो साइड में, ये वाली, ये पूरी जो स्काई ब्लू कलर से मैं कर रही हूँ, ये सेल क्या है? दिस इज योर लार्ज सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी सेल होती है ये पूरे फीमेल एम्ब्रियो सेक की, इसको हम बोलेंगे लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसका मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपके पास बन करके आ गई है, जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन योर ओव्यूल, इसके अंदर प्रेजेंट है, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यहीं से क्या आई थी, न्यूसेलस आई थी, न्यूसेलस में मियोसिस हुई थी, टेट्राड बना था, टेट्राड में 3 डिजेनरेट हो गए थे, एक सिंगल बचा था, इस सिंगल को हम आगे लेके गए थे, इसने 3 बार माइटोसिस किया था जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियस बन गए थे। एंड इन न्यूक्लियस ने अब क्या किया, खुद को अरेंज किया, साइटोकाइनेसिस करवाई, 3 एंटीपोडल बन गई, 2 सिनर्जिड बन गए जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस था, और एक एग बन गया। एग और सिनर्जिड मिलकर एग एपरेटस बना रहे हैं, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट हो गए जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला। एंड वो किस सेल के अंदर आ गए? सेंट्रल सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। एंड अगर आप एक चीज और देखोगे तो सिनर्जिड में आपको स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स भी दिखाई देती हैं, दीज आर द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, क्लियर। अब डबल फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। जब 2 मेल गैमेट आएंगे तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है,
ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी विद डायाग्राम, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू, ध्यान से पढ़ लेना एक बार इसको। ओके।